त्रि महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे बीजारोपण की बात कर रहे थे। और बीजारोपण की बात में एक बात निचोड़ के रूप में आई थी, भीतर की यथार्थता जब बाहर निकल करके आएगी तो घुमड़ती हुई एक प्रतिद्वंद्वता, घुमड़ती हुई एक प्रतिद्वंद्वता आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। दोबारा से बोल रहा हूं, अंदर की भीतर की जब यथार्थता बाहर निकल करके आएगी तो एक प्रतिद्वंद शुरू होगा। जो अंदर बाहर के बीच में होगा और उस स्थिति में आपको तालमेल बैठाना है, उस स्थिति में आपको तालमेल बैठाना है। क्योंकि दोनों बातें विरोधी हैं, दोनों बातें विरोधी हैं। दोनों में टक्कर अवश्य होगी, दोनों में टकराव जरूर होगा। बीज के अंदर बैठा हुआ अंकुर और मिट्टी के अंदर समाई हुई शक्ति, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक प्रतिद्वंद्वता पैदा होती है। जीव भी अंकुर होना चाहता है जो उसके अंदर बैठा है, और धरती माता भी उसे अंकुरित करना चाहती है, पर विरोधी तत्व उसको रोकते हैं, उसके विरोधी तत्व उसको रोकते हैं उगने और उगाने वाली शक्ति जब एक हो जाती है तो उस ना उगने वाली शक्ति को मिटा देती है। और इस मिटने में ही बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अंकुर का अस्तित्व शुरू हो जाता है। बात समझ आई या नहीं आई? तथ्य की बात है, अगर समझ नहीं आई तो दोबारा पूछिए। याद रखना जो बोला गया है आध्यात्मिक भाषा में, इसी को अग्नि परीक्षा कहते हैं। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। भगवान के नाम पर अपना कदम आगे बढ़ाना, कल गुप्ता जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा था, छुरे की धार पर चलना। अगर आपने कदम बढ़ाया तो पैरों में कांटे जरूर लगेंगे,
पैरों में कांटे जरूर लगेंगे। अरे कौन से कांटे लगेंगे? मोह माया तृष्णा जिससे आप ग्रसित हैं, उनसे आपको टक्कर लेनी होगी। वरना विरोध को नहीं सह पाओगे। वरना विरोध को नहीं सह पाओगे। हारिता बेटा, यही अग्नि परीक्षा है, यही अग्नि परीक्षा है। और बेटा हर किसी के साथ जुड़ी है। लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष किसके साथ नहीं है? विषय वासनाओं में जीवन फंसा हुआ है। जिस अग्नि परीक्षा की बात कर रहा हूं, जिन कांटों की बात कर रहा हूं, जब अंतर चेतना का आवरण हटेगा, तो अंदर से ही एक शक्ति उभर करके आएगी और वो शक्ति आपको कहेगी कि कर्म का फल है जो अभी मैं कर रहा हूं, वो मेरी आत्मा के विरुद्ध है और उसका फल मुझको भोगना पड़ेगा, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जिसको करने के बाद, देखिए चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, करने के बाद भोगना पड़ेगा। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे और बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, परंतु दोनों में जन्म जरूर लेना पड़ेगा। अच्छा भोगने के लिए भी तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म करिए, अपने स्वभाव को ऐसा ढालिए कि जिसमें मैं मिट जाए, आत्मा और परमात्मा की गति हो जाए, आत्मा और परमात्मा की गति हो जाए। जब आप आत्मा हो जाएंगे तो द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। आत्मा तभी आप होंगे जब तक द्वंद्व है, आत्मा आत्मा नहीं है तब तक द्वंद्व आकर के खड़े होते हैं, आपको अपने यथार्थ तक नहीं जाने देते। बेटा कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए। जब तक द्वंद्व खत्म नहीं होंगे, जो यथार्थ है वो आपके सामने प्रकट नहीं होगा। अगर उस यथार्थ को प्रकट करना है तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। पिता का स्नेह इसलिए था कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, और कुछ कमाएगा, प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, परिवार की महत्वाकांक्षाओं को समझेगा और उनकी पूर्ति करेगा। कैसी बात समझ आई? हां बेटा, अभी बताया तो है। एक मां भी जब अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसके पैदा होने से पहले ही उसके अंदर एक भाव फूटने लगता है कि मैं कल इसे पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, इसको अच्छे संस्कार दूंगी।
पर बेटा उन संस्कारों में चलता तो वो बच्चा ही है। जो मैंने कहा अभी आपको, वो महत्व परिवार को समझेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, प्रतिष्ठा मान सम्मान उनको समझेगा, उस मर्यादाओं में रहेगा। हम तो अपने जैसे बड़े होते जा रहे हैं, लोभ मोह काम क्रोध को समझते हैं, ये द्वंद्व है बेटा। जब ये द्वंद्व होगा यही अग्नि परीक्षा है। मैंने पिता पुत्र का उदाहरण आपको दिया, वही पुत्र आत्मा परमात्मा समाज सेवा आदि की बातें करता है तो उसे अपना ही पुत्र शत्रु जैसा दिखता है। बेटी जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन लेना। वही आत्मा अगर अपने परमात्मा की बात करता है और उसके दिए गए गुणों के आधार पर चलता है तो वो उसको प्यारा लगता है। जब वो अपने आप से समाज को संसार को महसूस करता है बेटा, इतनी आसान होती तो इतने योगी रहे जो सारी जिंदगी जंगलों में नंगे पड़े रहे, प्रकृति की मार को सहते रहे, उन्हें तो कब का निर्वाण मिल गया होता। पर एक बात कह रहा हूं बेटा, वो योगी जो जंगलों में रहे उनसे बड़े योगी आप हैं जो गृहस्थ में रह करके अपने ईश्वर धर्म को निभा रहे हैं, आत्म धर्म को निभा रहे हैं। हाँ बेटा, जो बता रहा हूं उसी में संभव है। छोटे में कह देता हूं, तन से संसार में, मन से आत्मा में। संसार में ऐसे पिता थोड़े ही हुए हैं, ऐसी माताएं नगण्य हुई हैं जिन्होंने अपने पुत्र को तिलक लगा करके ये कहा हो, वत्स, जो तूने जिस पथ पर पांव बढ़ाया है वह जीवन का परम पुरुषार्थ है, तू उस पर निष्ठा पूर्वक आगे बढ़, ऐश्वर्य को प्राप्त कर। तेरा स्मरण करते हुए हम भी संसार सागर से मुक्ति को पा जाएं। उन्मुक्त हो जाएं अंदर से। परंतु है क्या बेटा, हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा, राणा कुंभाराव का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अपनी बेटी को, पत्नी को मारा पीटा, सताया, विष दिया और उस पुण्य पद से खींचकर दैन्य दुर्भाग्य के फर्श पर ला करके पटक दिया। बाहुल्य ऐसे ही लोगों का है। इस समय पर बाहुल्य ऐसे ही लोगों का है, अन्यथा आज संसार में जिस अनात्म आस्थाओं पर हमारा समाज झुलस रहा है, ये स्थिति पैदा ना हुई होती तो भगवान की शरण को पकड़ने वाले समाज सेवी, लोक सेवी
लोगों की भर्त्सना ना होती, ये संसार का नियम बन गया है, ये संसार का नियम सा बन गया है। देखने में ऐसा लगता है भगवान की अकृपा है, परंतु लगा रहा हूं भगवान को अगर गहराई में देखोगे तो उससे बढ़कर परमात्मा का कोई अनुग्रह नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा हूं तरसिए और तड़फिए नहीं, जिस कदम को आपको कहा जा रहा है परमात्मा की तरफ बढ़ाइए, पहले से ही तैयार रहिए, कितने भी कांटे आएंगे हम झेलेंगे, जितने भी कांटे आएंगे हम उनको झेलेंगे, धैर्य पूर्वक तटस्थ बने रहें, तरसना और तड़फना, मार खाना इनसे दूर हो जाएं। जब तक आपका आंतरिक संबंध इनके साथ जुड़ा है तो आप तरस भी रहे, तड़प भी रहे और समय की मार भी खा रहे हैं। पर जब आप हृदय से उस परम तत्व के साथ जुड़ जाएंगे सब कुछ ऐसा ही रहेगा, परंतु आप पर उसका कोई असर नहीं होगा। एक भाव जगेगा आपके अंदर, कुछ भी हो जाए मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरी आत्मा के विरुद्ध हो। धैर्य पूर्वक तटस्थ बने रहोगे, साहस भी परमात्मा ही दे सकता है। और सहायता भी वो ही देता है, ऐसी बात नहीं है कि वो आपकी सहायता नहीं करेगा। कभी कभी वाहन विहीन भी भगवान को दौड़ना पड़ा है, बगैर जूतों के पहने हुए भी दौड़ना पड़ा है, भक्त को बचाया है। यही परीक्षा है, हम इसलिए कदम ना बढ़ाएं कि हम पर मार पड़ेगी तो भगवान आएगा, हम इसलिए कदम बढ़ाएं कि हमें मंजिल पर जाना है। भगवान ने ही भक्त को बचाया है, ऐसा अपवाद अधिकांश वे अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और अग्नि परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल बेटा, ललिता बिल्कुल सही बात कह रही है, तटस्थ रहना पड़ेगा, दृढ़ रहना पड़ेगा बेटा, उस स्तर तक अपनी सोच को जमाना पड़ेगा। अन्य अग्नि परीक्षा में अग्नि निकलती है बेटा, झुलसता है, परंतु चलते रहें, कुछ ना सोचें, कुछ ना देखें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, निश्चित रूप से ईश्वर आपकी सहायता करेगा। सत्पात्र को ही
उसके अनुदान मिले हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है। अब ध्यान की तरफ चलें। उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन प्रातःकाल, पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा, सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनीशक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन समुद्र मंथन, जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन
मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण बेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का बेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का बेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र भेद शब्द भेद लक्ष्य भेद। बेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण।
मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में। ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का। परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन।
शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में। साधक का सविता में। क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण आत्म जागरण। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार।
समाप्त शांत। हमारे YouTube दोनों हाथ रख ले मुखमंडल पर फिर और जो बताया है उसकर खूब से चिंतन करें, महसूस करें कि ये विकार हटें और उनकी जगह पर ईश्वर जगे। आज की बात संपन्न।